गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। जब आपको डेरिवेटिव अच्छे से आ रहे तो कोशिश करें उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करें। चलो मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कराता हूँ, जितना ईजी हो सकता है मैं उसको कराता हूँ। देखो ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट रिजल्ट जिसका मेन रिजल्ट है, सबसे पहला रिजल्ट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ लिखना है एक्स पावर एन डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। जैसे अगर आपके पास यहाँ लिखा होता है कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, ये वही डी एक्स यहाँ लिखा है, वही इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे, पावर में 1 प्लस कर दो और यही का यही नीचे लिख दो। ठीक है, पावर में 1 प्लस किया, वही का वही हमने नीचे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ पर करते थे ना, जैसे y इक्वल टू x पावर n है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि पावर में 1 प्लस करके वही की वही टर्म नीचे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे x पावर 5 डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे, इस पावर में 1 प्लस कर दो, यही का यही नीचे लिख दो और साथ में यहाँ पे सी भी लगाना है। सी इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में आएगा। सी का मतलब क्या, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, यहाँ पर भी प्लस सी लगाना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन एक्स पावर -3 डी एक्स, हमने इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं कैसे, पावर में 1 प्लस कर दो, अगर इसकी पावर में 1 प्लस कर दे देखो तो ये का ये नीचे आ जाएगा और साथ में प्लस सी लगा रहे हैं, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2 डिवाइड में -2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ, देखो जैसे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसकी पावर कितनी है 1, पावर में 1 प्लस कर दो, ये का ये नीचे लगा दो, साथ में ये सी लगा दो। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे, देखो इसको पहले क्या लिखें, एक्स पावर 1/2 और ये डी एक्स। ठीक है, इसकी पावर में 1 प्लस कर दो, देखो 1/2 में 1 प्लस करो, 2 और 1 3 3/2, तो एक्स पावर 3/2, यही का ये नीचे लिख दें प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। इसको पलट के लिख दो तो 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया, इसके बिल्कुल सिंपल स्टेप है, मैंने वो कराए। अच्छा एक चीज और देखें, अगर सपोज करो आपके पास ये लिखा हो इंटीग्रेशन 10 डी एक्स, हमने इसका इंटीग्रेशन कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा जिसके साथ एक्स नहीं है उसके साथ एक्स लगा दो प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पे इंटीग्रेशन 9 डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा है जिसके साथ एक्स नहीं है उसके साथ एक्स लगा दे प्लस सी। अगर हमने 10 का डेरिवेटिव करना होता तो 10 का डेरिवेटिव कितना हो जाता, 0, और 9 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, लेकिन जिसके साथ x नहीं है अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसके साथ हम x लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं इसके कुछ रिजल्ट्स लिखवा देता हूँ। ठीक है, कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो बार बार आपके यूज होने, तो पहले हम वो लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो इसके कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं। इस तरफ मैं डेरिवेटिव के सारे रिजल्ट्स लिख देता हूँ और इस तरफ में इंटीग्रेशन के, दोनों में फिर कंपेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो डेरिवेटिव में फर्स्ट रिजल्ट क्या था, वाई इक्वल टू एक्स पावर एन, अगर हमने इसका डेरिवेटिव करना था तो पावर आगे लाएं, एक पावर कम कर दें, और यहाँ से अगर हम यहाँ लिखें एक्स पावर एन इंटीग्रेशन, तो पावर में 1 प्लस कर दो, यही का यही नीचे लिख दे प्लस सी,
तो ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड y इज इक्वल टू a, अगर हमने a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। और नंबर टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx, और इसका इंटीग्रेशन करना है जिसके साथ x नहीं है उसके साथ x लगा दें प्लस c। a क्या है, एक तरह से tan है, tan का डेरिवेटिव जीरो और tan का इंटीग्रेशन 10x, 5 का डेरिवेटिव जीरो, 5 का इंटीग्रेशन 5x प्लस c। देखो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थ्री, y इज इक्वल टू साइन x, इसका डेरिवेटिव तो याद हो रहा सबको, इसका तो सबको याद होता है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर दूं साइन x का, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। साइन x का डेरिवेटिव cos x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्लियर। नंबर फोर, डेरिवेटिव y इज इक्वल टू cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। और अगर मैं यहां पर लिखूं cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा प्लस c, ये याद रखें। साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, cos का माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन x होगा, क्लियर। नंबर फाइव, y इज इक्वल टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होगा और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो वो tan x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x प्लस c, ठीक है। टेंजेंट का डेरिवेटिव secant स्क्वायर और secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x बन जाता है, याद रहे। y इज इक्वल टू secant x, डेरिवेटिव ऑफ secant x इज secant x टेंजेंट x, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो वो secant x आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ secant x tangent x dx इज इक्वल secant x प्लस c। नंबर सेवन, y इज इक्वल टू cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosecant स्क्वायर x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो cot x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosecant स्क्वायर x dx, तो इसका आ जाएगा cot x और ये प्लस, इस माइनस को चाहो तो परली तरफ भी लगा सकते हैं, देखो इस माइनस को राइट में लगा सकते हैं। और नंबर एट, y इज इक्वल टू cosecant x, cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x और cot x, ओके बेटा, और इसका इंटीग्रेशन ये वाला आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosecant x cot x dx इज इक्वल cosecant x प्लस c, इस माइनस को आप राइट में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये 8 के 8 रिजल्ट्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा रहे हैं, इसको टिप्स पर लर्न कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे। चलो कुछ रिजल्ट्स और लिखवाता हूँ इसके। चलो नेक्स्ट नंबर, नंबर 9, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था तो उसी के ही इंटीग्रेशन करते हैं। देखो y इज इक्वल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट, ठीक है। नंबर 10, y इज इक्वल कोस इनवर्स x, और हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो इसी के आगे माइनस लगा दें, ठीक है। साइन इनवर्स कोस इनवर्स का सेम होता था लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता था, तो यहां पर अगर मैं करूं तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx साइन इनवर्स x, और यहाँ पे साथ में प्लस c, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। नंबर 10, माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस c, यहाँ से इस माइनस को हटा दो, ये माइनस यहाँ लगा दें, ठीक है। तो याद रखें एग्जाम के अंदर आपके पास देखो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है ना, तो आप इसका एग्जाम में इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स लिख देना या माइनस कोस इनवर्स लिख देना, दोनों ठीक होंगे। याद रखें साइन इनवर्स है तो प्लस का लगाना है, कोस इनवर्स है तो माइनस का लगाना है, ठीक है, ये याद रखें। नंबर 11,
phi is equal tangent inverse x. Tangent inverse का derivative 1 over 1 plus x square. तो इसका integration tan inverse आ जाएगा. पहले cot का कर ले. y is equal cot inverse x. cot inverse में इसी के साथ minus लगा दें. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स और इसका cot इनवर्स हो जाएगा. इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x प्लस c. इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx, cot इनवर्स x प्लस c. यहां से माइनस हटा दे, माइनस यहां लगा दे. वैसे जैसे हमने फर्स्ट टू थे ऐसे ये दोनों है. देखो दोनों सेम है. इसका इंटर टेन इनवर्स भी लिख सकते हैं और इसका माइनस कॉट इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये याद रखें. नंबर 13, वाई इक्वल सेकेंड इनवर्स एक्स. डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स 1 ओवर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. नंबर 14, वाई इक्वल कोसेकेंड इनवर्स एक्स. इसका डेरिवेटिव, तो इसी के आगे माइनस का साइन लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो इसका इंटीग्रेशन सेकेंड इनवर्स हो जाएगा. इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी. और इसका ये वाला, तो यहाँ से माइनस 1 ओवर एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से माइनस का हटा दें, माइनस इस तरफ लगा दें. क्लियर है बेटा? ठीक है, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि जिसका फर्स्ट लेटर सी है ना, वहां पे माइनस का साइन है. देखो फर्स्ट लेटर सी है माइनस, फर्स्ट लेटर सी है तो माइनस, फर्स्ट लेटर सी है तो माइनस, जैसे मर्जी आप इसको लर्न कर सकते हैं. ठीक है, दो तीन रिजल्ट्स और हैं, वो कराता हूं. देखो नेक्स्ट रिजल्ट 14 हो गए. नंबर 15, वाई इक्वल टू लॉगरिथम के बारे में आपने पढ़ा था, याद होगा इसका डेरिवेटिव. चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा आपने, 6 में भी पढ़ा. तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स. लॉगरिथम के साथ जो भी लिखा है वो 1 के डिवाइड में लिखते हैं. और अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँ, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा, लॉगरिथम एक्स, साथ में प्लस सी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर 16, y इक्वल e पावर x. इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, e के x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है. नंबर 16, e की x का इंटीग्रेशन e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है प्लस c, ये आंसर. क्लियर? और नंबर 17, y इक्वल टू a पावर x dx. a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x, साथ में लॉगरिथम a. और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x होगा और डिवाइड में लॉगरिथम a प्लस c. ठीक है, जैसे आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, इसी कहीं y इक्वल टू 5 पावर x है. अगर मैं कहूँ कि इसका डेरिवेटिव करो तो 5 पावर x साथ में लॉगरिथम 5 आ जाएगा. और अगर मैं यहाँ पर 5 पावर x का इंटीग्रेशन कर दूं तो 5 पावर x डिवाइड में लॉगरिथम 5 आ जाएगा, साथ में प्लस सी, और ये आंसर आ जाएगा. क्लियर? तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये सारे रिजल्ट्स अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ जो हमने रिजल्ट्स थे वो मैंने करवाए. चलो इसी के लिए मैं सेकेंड पार्ट में, इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.